नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। चारों वेद, 16 पुराण, 18 उपपुराण, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता को यदि मानव सभ्यता की आधारशिला कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। या यूं कहें कि वेद, पुराण, उपपुराण, रामायण व श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मांड के समूचे ज्ञान का समावेश है। संस्कृत भाषा में रचित इन पावन सनातन ग्रंथों का अध्ययन हमें नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराओं और विज्ञान के बारे में विस्तार से अवगत करवाता है। चार वेदों में कुल कितने श्लोक मंत्र हैं? प्राचीन भारत के पावन साहित्य में चार वेद प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति में वे सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें ईश्वर का ज्ञान समाहित है। वेद विश्व के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में से एक हैं, जिनके पवित्र मंत्रों का मौजूदा समय में भी बेहद श्रद्धा से उच्चारण किया जाता है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान का ग्रंथ माना गया है। इसमें विदित यानी जाना हुआ, विद्या यानी ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्दों का समावेश है। ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। ज्ञान हेतु इसमें लगभग 10,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं के गुणों का कविता छंद रूप में वर्णन किया गया है। सामवेद। इस वेद में इष्ट देव की उपासना में संगीतमय 1975 मंत्र रचित हैं। यजुर्वेद। इस वेद में कार्य व यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 3750 गद्यात्मक मंत्र हैं। अथर्ववेद। इस वेद में गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 7260 कवितामय मंत्र सम्मिलित हैं। चारों वेदों का विस्तार रूप है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना होना। पुरा शब्द का अर्थ अनागत व अतीत होता है। अण शब्द का अर्थ कहना या बतलाना है। पुराण वास्तव में वेदों का विस्तार रूप है। वेद बेहद जटिल भाषा शैली में रचित हैं। पुराणों की रचना व पुनर्रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, जबकि पुराणों में वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को सरल भाषा में समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराओं, विज्ञान तथा अन्य विषयों पर आधारित है। पुराणों में देवी देवताओं, राजा महाराजाओं, ऋषियों मुनियों के अलावा जनमानस की कथाओं का उल्लेख किया गया है। इनमें पौराणिक काल के सभी पहलुओं का चित्रण है। महर्षि वेद व्यास जी ने कुल 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया। भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि, विष्णु व देवों के देव महादेव इन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के सभी भगवान स्वरूप को शैशव पुराण समर्पित किए गए हैं। ब्रह्म पुराण में है सृष्टि उत्पत्ति की बहुमूल्य कथा। ब्रह्म पुराण सभी 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 246 अध्याय और 14,000 श्लोक रचित हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री ब्रह्मा की महानता, सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण, श्री रामायण, श्री कृष्णा अवतार की कथाओं को संकलित किया गया है। इस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता की भी जानकारी मिलती है। 55,000 श्लोक 5 खंडों में विभाजित है। पद्म पुराण। 5 खंडों में विभाजित पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड, पाताल खंड, इन 5 खंडों में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख है। 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, पर्वतों, नदियों के बारे में विस्तार से जानकारी वर्णित है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान श्री राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास भी है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। इसके बाद यह भरत खंड और बाद में भारत नाम पड़ा। विष्णु पुराण में है भगवान श्री विष्णु कृष्ण अवतार का जिक्र। विष्णु पुराण में 6 अंश व 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री हरि विष्णु, बालक ध्रुव, श्री कृष्ण अवतार की कथाओं को संकलित किया गया है। सम्राट पृथु की कथा को भी शामिल किया गया है। सम्राट पृथु के नाम से हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी शामिल है। इस ग्रंथ में भारत की भौगोलिक जानकारी भी संकलित है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। भगवान शिव को समर्पित है शिव पुराण। भगवान शिव को समर्पित शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व की विस्तृत जानकारी है।
सप्ताह के दिनों के नामों की रचना प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के बारे में जानकारी संकलित है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित हैं। इन ग्रहों पर आज समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है भागवत पुराण। आध्यात्मिक विषयों पर आधारित भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के अलावा महाभारत काल से पूर्व के राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं इसमें शामिल हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यादवों के नाश तक का विवरण भी है। समस्त पुराणों का सार है नारद पुराण। समस्त 18 पुराणों के सार नारद पुराण में कुल 25,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ के दो भाग हैं। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के विधि विधान हैं। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक वर्णित है। दूसरे भाग में संगीत के सातों स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थान, स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान मौजूदा समय में भारतीय संगीत का आधार है। नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर ही थे। मार्कंडेय पुराण में है सामाजिक न्याय योग विषय की जानकारी। मार्कंडेय पुराण अन्य पुराणों की तुलना में बेहद छोटा पुराण है। इस पुराण में मात्र 9,000 श्लोक व 137 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय व ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप को संकलित किया गया है। इसके अलावा माता भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं संकलित हैं। भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश है अग्नि पुराण। 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक वाले पुराण को अग्नि पुराण का नाम दिया गया है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश कहते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण और महाभारत की संक्षिप्त कथाओं को संकलित किया गया है। इसके अलावा धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य है। गौरतलब है कि धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। सूर्य साल माह के विषयों का पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक सम्मिलित हैं। इस ग्रंथ में सूर्य के महत्व, वर्ष 12 महीनों के निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों संबंधी वार्तालाप हैं। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विष दंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्ज है। साथ ही पुराने राजवंशों, नंदवंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी तक का वृतांत दर्ज है। भगवान सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। यह पुराण भारतीय इतिहास का महत्वशाली स्रोत है। आयुर्वेद ज्ञान का खजाना है ब्रह्मवैवर्ता पुराण। आयुर्वेद संबंधी ज्ञान का खजाना है ब्रह्मवैवर्ता पुराण। इस पुराण में 18,000 श्लोक और 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री ब्रह्मा, सिद्धि विनायक, श्री गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है। लिंग पुराण में अघोर मंत्र, घोर विद्या की विशेष जानकारी है संकलित। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा घोर विद्या का विशेष उल्लेख है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग कल्प का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। भूगोल खगोल का संकलन है वराह पुराण। भूगोल खगोल की विस्तृत जानकारी वाले वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक संकलित हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भगवत गीता महामत्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का भी वर्णन किया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस्या और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। भौगोलिक और खगोलिक तथ्यों से पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चला था। प्राचीन भारत की अनमोल जानकारी का संकलन स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है। इस पुराण में 81,000 श्लोक और शयखंड हैं। प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन, 27 नक्षत्रों, 18 नदी और अरुणाचल प्रदेश के सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों, गंगा अवतरण की बहुमूल्य जानकारी है। इस पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर की जानकारी भी दर्ज है। दो खंडों वाले वामन पुराण का उपलब्ध है केवल एक खंड।
95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक वाले वामन पुराण के दो खंडों में से मौजूदा समय में केवल एक खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा की जानकारी है। इस ग्रंथ में सृष्टि, जम्बूत तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। कुर्मा पुराण में है वेदों का सार। कुर्मा पुराण में है वेदों का सार, सागर मंथन की जानकारी। 18,000 श्लोक और 4 खंडों में विभाजित कुर्मा पुराण में 4 वेदों का सार और सागर मंथन की कथा विस्तार से दर्ज है। इस पुराण में भगवान श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रमों, धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दर्ज है। मत्स्य पुराण में संकलित है मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा की विस्तार से जानकारी है। 84,00,000 योनियों का संकलन है गरुड़ पुराण। 279 अध्याय व 18,000 श्लोक वाले गरुड़ पुराण में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नर्क तथा 84,00,000 योनियों के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी है। आम लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ को अपने किसी परिजन के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। विश्व का पहला खगोल शास्त्र है ब्रह्मांड पुराण। 12,000 श्लोक, पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भागों वाले ब्रह्मांड पुराण को विश्व का पहला खगोल शास्त्र कहा जाता है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रहों की जानकारी वर्णित है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक 7 काल बीत चुके हैं, इनकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को इंडोनेशिया भी ले गए थे, जिसके प्रमाण इंडोनेशियन भाषा में मिलते हैं। लोकप्रिय 18 उपपुराण। आदित्य या सौर, उष्ण या औष्णसव, कपिल, कालिका, कुमार, गणेश, गौतम, दुर्वासा, देवी भागवत, नंदी, नरसिंह, महेश्वर, मारीच, शिवधर्म, साम, सनत कुमार, विष्णु धर्मोत्र, कल्कि। तो दोस्तों, ये थी वेदों, पुराणों व उपपुराणों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।